एपिसोड नंबर 245, 245। अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन नयन मुख पंकज दिए मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीख जप तप का किए जप जोग धर्म समूहते नर भगति अनुपम पावई रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल सादर सुनहि जे तिन्ह पर राम रहहि अनुकूल। कठिन काल मल को धर्मन ज्ञानन जोग जप परिहर सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। पद कमल नाई करी सीसा चले बनही सुर नर मुनि ईसा आगे राम अनुज पुनि पाछे मुनि बर बेश बने अति काछे भय बीच श्री सोहई कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी सरितापन गिरी अवघट घाटा पति पहचानी ते ही बरबाटा जहाँ जहाँ जाही देवर घुराया करही मेघ तह तह न बजाया मिला असुर बिराध मग जाता आवत ही रघुबीर नि पाता तुरत ही चिर रूप ते ही पावा देख दुखी निज धाम पठावा पुनि आए जहां मुनि सर भंगा सुंदर अनुज जान की संगा।
देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वभंग। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहे बिरंचि के धामा सुनेऊ श्रवण बन है हहि रामा चितवत पंथ रहेऊ दिन राती अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती नाथ सकल साधन महीना किन्ही कृपा जानी जन दीना सो कछु देव नमो ही निहोरा निजपन राखे उजन मन चोरा तपल की रहु दीन हित लागी जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा प्रभु कह दे भगति बरलीन्हा सर रचि मुनि सर भंगा बैठे भितय छाड़ी सब संगा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। अस कहि जोग अग्नि तनु चारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा ताते मुनि हरि लीनन भयो प्रथम ही भेद भगति पर लयो ऋषि निकाय मुनि पर गति देखी सुखी भये निज हृदय पिसेखी स्तुति करहिं सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनि बर वृंद विपुल संग लागे अस्थि समूह देखी रघुराया पूछी मुनिन लागे अति दाया जानत हूँ पूछी अकस स्वामी सब दर्शी तुम अंतर जामी चर निकर सकल मुनि खाए सुनि रघुबीर नयन जल छाए।